ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा 10 वेज ऑफ इम्प्रूविंग द इंटरनल कम्युनिकेशन। ये सारे चीज़ें 10 वेज ऑफ इम्प्रूविंग इंटरनल कम्युनिकेशन, हम अपनी कंपनी में इंटरनल कम्युनिकेशन इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चीज़ को डिसाइड करना। डिसीजन मेकिंग जनरली किसी भी कंपनी में टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, चेयरमैन, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, ये जो बड़े बड़े लोग टॉप लेवल में होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इन लोगों के पास जनरली होती है। कॉल सेंटर में भी यही हिसाब किताब है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर सॉट बाय वर्चुअली ऑल कंपनीज, हर कंपनीज इसको फॉलो करती है। एज वी आर फेस्ड विद डिसीजंस बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े डिसीजन इन द वर्क प्लेस एवरी डे, हर दिन जो है हमें किसी न किसी डिसीजन को लेना पड़ता है, छोटे हों चाहे बड़े हों। इन जनरल पीपल हु कैन डिमॉन्स्ट्रेट एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑल दी ऑप्शंस एंड कंपेयर देम इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस हैव एन एडवांटेज ओवर दोज हु कांट। तो कॉस्ट, ये चीज़ें इससे जुड़ी होती है, इंटीग्रल पार्ट होता है डिसीजन का, कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। तो ये चीज़ें जो है हाई लेवल के, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, ये उन लोगों के पास होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रंट लेवल एजेंट्स के पास डिसीजन मेकर नहीं होता है, वो जब भी कॉस्ट लेते हैं, कस्टमर के साथ डील करते हैं, तो उनके पास भी डिसीजन अपने लेवल का लेने का एडवांटेज होता है। वन शुड इनकरेज द एजेंट्स टू मेक गुड डिसीजंस ऑन देयर ओन बाय गेटिंग देम टू आस्क देमसेल्व्स। जो बड़े लेवल के होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने एजेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने आप से सवाल करें डिसीजन लेने से पहले कि इज़ इट राइट फॉर द कस्टमर, क्या ये कस्टमर के लिए सही है। ये आप एज अ फ्रंट लाइन एजेंट आप अपने आप से पूछेंगे किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, इज़ इट राइट फॉर द कस्टमर, क्या ये कस्टमर के लिए सही है। इज़ इट फेयर फॉर द बिजनेस, क्या ये बिजनेस के लिए सही है। एम आई विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। ये तीन सवाल आप अपने आप से करेंगे तो उसके बाद फिर आपको डिसीजन अपने आप मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है। दिस शुड इनकरेज ऑल ऑफ योर एजेंट्स टू डू द राइट थिंग्स विदाउट ऑलवेज नीडिंग टू आस्क देयर टीम लीडर। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिना टीम लीडर की मदद से आप किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं। इफ़ यू डू इम्प्लीमेंट दिस इन योर कॉन्टैक्ट सेंटर, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर देन सपोर्टिव ऑफ द actions taken and are careful not to criticize when things don't always go the way you would have liked। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं लेकिन वो आपके हिसाब से नहीं चलती है। तभी तो ये बताया गया है कि आपको इन तीनों क्वेश्चंस पे आपको अपने आप से पूछना है। जब ये आप अपने आप से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना जवाब मिल जाएगा। ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर हम ऐसे शुरू करेंगे एरो वाइज, है ना। डिफाइन द प्रॉब्लम, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि आपके पास जो क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है और आप उस चैलेंज को कैसे दूर कर सकते हैं, जो अभी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। जनरेट एन एरे ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस और रिस्पॉन्सेज। जब आपको प्रॉब्लम मिल जाती है तो आप कई सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 4, इस तरह के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। आप सॉल्यूशंस, टोटल नंबर सॉल्यूशंस आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के इतने ढेर सारे सॉल्यूशन हैं। इवेल्यूएट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स और प्रॉस एंड कॉन्स एसोसिएटेड विद ईच ऑप्शन। हर एक सॉल्यूशन का एक कॉस्ट और बेनिफिट होता है कि ये सॉल्यूशन अगर मैं दे रहा हूँ तो इससे कितनी कॉस्ट जुड़ी है, फ़ायदा क्या है इससे, इसके नुकसान क्या है, हर एक सॉल्यूशन के साथ जुड़ा होता है। सेलेक्ट अ सॉल्यूशन और रिस्पॉन्स, उसके बाद आप चार सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन को चूज़ करेंगे। इम्प्लीमेंट द ऑप्शन चूजन, उस सॉल्यूशन को आप एग्जीक्यूट करेंगे कस्टमर के लिए, उस सॉल्यूशन को आप प्रोवाइड करेंगे। असेस द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन एंड मॉडिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन एज नीडेड। आप उस चीज़ को एनालाइज करेंगे, जब इम्प्लीमेंट आप कर लेंगे तो उस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि डिसीजन जो आपने लिया है उसको अगर बाद में मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या कर सकते हैं। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, वो कैसे होता है। अ गुड वे टू मेक द मोस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन इज टू फॉलो अ प्रोसेस दैट एश्योर्स यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड कंसिडरिंग ईच ऑफ द मोस्ट पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन को आपने देख लिया है, हर पॉसिबिलिटी को आपने देख लिया है, हर पॉसिबिलिटी, हर सॉल्यूशन का एक प्रॉस एंड कॉन्स हो सकता है, कोई नुकसान फ़ायदे हो सकते हैं। अब कॉस्ट एनालिसिस कर सके देख सकते हैं कौन कितना कॉस्टली हो सकता है, कौन कस्टमर के लिए सही है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है डिसाइड, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने से पहले।
अ स्टेप बाई स्टेप चेकलिस्ट लाइक दिस इज़ वैल्यूबल फॉर दैट पर्पज़। एक चेकलिस्ट जो है वो डेमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर यहाँ पर बताई गई है जिन जिन चीज़ों को आप चेक करेंगे। डिफाइन द प्रॉब्लम चैलेंज, ये वही चीज़ है जो हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पे देखी है ना, ये वही चीज़ है, यही चेकलिस्ट जो है हम देखते हैं। हाउ टू हैंडल कॉल्स विथ एम्पैथी इन अ कॉल सेंटर, हम कॉल्स को एम्पैथी के साथ कैसे डील करें कॉल सेंटर में। देखिए एम्पैथी, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो सिंपैथी वो होता है जब आपके पास कोई सहानुभूति आपसे आपको देता है तो वो सिंपैथी होता है। कि मान लीजिए कि अगर आपकी की साइकिल अगर चोरी हो गई तो आपका आपका दोस्त आके कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, तुम अफसोस में हो और तुम ये सोच रहे हो कि घर जाऊंगा तो माँ बाप क्या कहेंगे, डांटेंगे पटकारेंगे, तो अभी तुम अफसोस में हो कि साइकिल मेरी चोरी हो गई अभी क्या करूँगा। तो तुम्हारा जो दोस्त है तुमसे आके बोलता है कोई बात नहीं यार चलो होता रहता है, ये इसमें किसी की गलती नहीं है, अगर तुमने थोड़ी देर के लिए साइकिल छोड़ के तुम दुकान पर गए तो अब वो चोर आके ले गया, इसमें तुम क्या कर सकते हो, तो वो तुमको सिंपैथी दे रहा। ठीक है, एम्पैथी क्या हो गया, एम्पैथी वो चीज़ हो गई कि आपकी साइकिल चोरी हो जाती है, आपका दोस्त आपके पास आता है, आपसे कहता है कि कोई बात नहीं यार मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक बार साइकिल चोरी हुई है। तो तुम्हारा दोस्त जो है उस वो भी इस सिचुएशन से गुजर चुका है, उसकी भी पहले साइकिल चोरी हो चुकी है, उसको भी कैसा फील हुआ होगा वो बता रहा है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या अभी बीत रही है, तो उस चीज़ को एम्पैथी कहते हैं। तो आप जब कॉल सेंटर में काम करेंगे, कॉल्स लेंगे, तो आपको एम्पैथी के साथ कॉल्स लेना है। ठीक है, कस्टमर सर्विस इज़ प्योरली अबाउट डिलीवरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर सर्विस।